वेट यस आई होल्ड इट चलो ओके सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस सेम प्लेस सेम टाइम गेटिंग इनटू बिजनेस सबसे पहले तो बताइए कैसे क्या कैसे आईडिया आया वेल एक्चुअली कुशांक हमेशा से फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में आना चाहते थे सो अलॉन्ग विद एक्टिंग हिज अदर पैशन वॉज फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री सो अभी प्लान किया कि नाउ दिस इज हाई टाइम ही शुड एक्चुअली ओपन अप हिज ओन रेस्टोबार एंड आई बेसिकली हैव टू पैशन इन माई लाइफ वन इज एक्टिंग जो मैंने अभी तक कर ली है और भी करता रहूँगा वंस दिस प्लेस इज सेट एंड सेकेंड वॉज ऑफकोर्स हॉस्पिटैलिटी वेयर आई वॉन्टेड पीपल टू यू नो कम टू अ प्लेस एंजॉय द फूड Love the ambience and have fun and party out loud. और मेरे जगह का नाम भी मैंने बहुत सोच समझ कर रखा है सेम प्लेस सेम टाइम जहाँ पे जब दो लोग मिलते हैं रात को डिस्कस करते हैं जॉब के बाद या शूट के बाद या घर पे या कहीं पे भी कहाँ जाना है यार कहाँ जाना है आज रात को यू नो द जेन्युइन क्वेश्चन दैट इज सेम प्लेस सेम टाइम तो हर बार वहीं जाना है उसी वक्त पे मिलना है और चिल करना है पार्टी करनी है अच्छा खाना खाना है दैट्स इट Also, आप लोगों का स्लोगन भी बहुत ही मतलब हटके हैं यू नो तो थोड़ा बताएंगे स्लोगन के बारे में स्लोगन के पीछे भी काफ़ी थॉट है इसके पीछे वेयर यूथ कैन बेसिकली कनेक्ट यू नो आवर स्लोगन इज वी मेट वी एक्सप्लोर्ड वी मीट ओवर अगेन मैं ये नहीं चाहता कि लोग यहाँ पे सिर्फ खा के डांस करके जाएं यू नो वी आई डोंट वांट दैट आई वांट बेसिकली पीपल टू कम एंड कनेक्ट विद ईच अदर हमने यहाँ पे एक और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट रखा है विच इज़ फॉर्च्यून फाइंड्स अ मेट विच इज़ फिजिकल ट्रेडिंग काइंड ऑफ अ थिंग कॉन्सेप्ट जो हमें बाद में रिवील करेंगे It's pretty interesting. Let's see how it shapes up. I think you should give a little bit details about the same. It's about physical Tinder, where you can get your match. A girl can date a girl, a guy can date a guy, or opposite sex. We all cool. किस तरीके से ये idea आया? You know, थोड़ा जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही अलग और हटके चीज है ये. अभी तक हमने कहीं नहीं देखी है. अभी तक कहीं नहीं देखी और ऐसे बहुत सारे dishes भी हैं हमारे और drinks भी हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे. जो मैंने रात को बैठ बैठ के 3 महीने 6 महीने बैठ के सोचा है सो लेट्स सी हाउ पीपल यू नो रिस्पॉन्ड टू आवर काइंड ऑफ क्विज़िन ओजस्वी का कितना साथ रहा यू नो जब थ्रू आउट ओजस्वी के बिना आई एम इनकम्प्लीट टू बी वेरी ऑनेस्ट नो बट वेरी ऑनेस्टली आई वुड से शी इज द को डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी किंग क्राफ्ट रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बट जहाँ तक क्रिएटिविटी की बात है जहाँ तक फिजिकली इस चीज को खड़ा करने की बात है आई वुड से दैट एंटायर केयर गोज टू हिम I think he has been very hard working. He has worked every minute details he has worked on. So I'm sure people are going to love it. And also please take a look around of the interiors when you are done with all of us. Hai na? Okay, also you know, jaise ki jagah ka naam hai, bahut kuch bata diya. Aap dono se jana chahenge kitne foodie hai, kitne party lover hai. Oh, foodie, oh God. We are Punjabi, Sardar. Mere mom dad bhi udhar baithe hain, aaye mere launch ke liye. We love food. We love food, yes. We love food. Jab main acting mein tha, अभी कुछ 2-3 महीने पहले तक जब तक मैं ब्रेक नहीं लिया था मैंने आई यूज टू फॉलो स्ट्रिक्ट डाइट बट अभी मुझे मौका मिल रहा है नई नई चीज़ें खाने का आई कैन चीट ऑल डे सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एज ऑफ नाउ वी लव फूड वी आर पंजाबीज वी लव फूड एज वेल एज वी लव मेकिंग अदर पीपल ईट फूड सो एंड प्लस एज फार एज पार्टी इज कंसर्न येस आई वुड से वी आर नॉट दैट पार्टी पीपल बट वी वॉन्ट पीपल टू पार्टी हियर सो दैट्स द कॉन्सेप्ट वेल माई डिज़ाइनर पूनम हैज़ शी इज़ जस्ट स्टाइल दिस लुक क्विंस का वर्क है ड्रेस में इट्स अ लिटिल मैच काइंड ऑफ अ थिंग तो आप देख सकते हैं द एक्सेसरीज आर सच विच हैव दैट सिल्वर टिंज विद ब्लैक ओके आपके इस न्यू स्टार्ट में आज कौन कौन आपके साथ में जॉइन होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आज सॉरी कैन यू कम अगेन विद द क्वेश्चन मेरा ध्यान कहीं और था आज न्यू स्टार्ट में आपके साथ कौन-कौन ज्वाइन होने वाला है वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर कमिंग ओवर लाइक वी हैव फ्रेंड्स इन सनाया मोहित सैगल एंड किंशुक महाजन शक्ति अरोरा द लिस्ट गोज ऑन दे ऑल आर डियर फ्रेंड्स ऑफ आवर्स एंड माय पेरेंट्स आर देयर सो इट्स अ बिग डे फॉर मी यू नो इट्स माय डेब्यू लॉन्च ऑफ माय डेब्यू प्रोजेक्ट ऑफ माय फर्स्ट रेस्टोबार आई एम रियली हैप्पी ओके ऑल द बेस्ट आप लोग थैंक यू सो मच यार थैंक यू कैसे चेंज हो जाएगा
सब रंग बिरंगी तो मालूम नहीं था यशवंत जी का मोबाइल में जूम नहीं है, मैंने मालूम था कौन सा लाइट कमल मेरा राउंड हो चुका है। अरे चल ना साथ में, बोलिए बोलिए बोल बोल के साथ, साथ में साथ में चलो। वो कर चुका है कांग्रेचुलेट, मैं कांग्रेचुलेट इसको आई थिंक आज से 6 महीने हो गए, 6 महीने पहले कर चुका हूँ। ये प्लेस के बारे में मुझे पहले से पता था, ये काफ़ी टाइम पहले मुझे बोलता रहता था कि इसको पब टाइप्स कुछ खोलना है और इट्स हिज बेबी। आई थिंक यहाँ पर बहुत पैशन से इसने ये खोला है। द फूड इज लिप स्मैकिंग, आई थिंक एवरीवन शुड गो कम हियर एंड मॉक ट्रायल्स। यस वी हैव क्लोज एंड न्यू वंस, मैं वो डालने वाला हूँ, जल्दी पोस्ट करूँगा इंस्टाग्राम पर। और इट्स हिज पैशन यार, आई मीन यू शुड गो एंड ट्राई द फूड। आइडिया ये इसने मुझे ना दो चीज़ें खिलाना सिखाया है और वो भी एक साथ, बटर चिकन भी और मटन बिरयानी भी। मैं जब मंगाता था तो एक मंगाता था, ये दोनों मंगा के खाता है। तो उसको इसका रीज़न है, मतलब मोर इज खाना तब तक खाओ जब तक पेट नहीं मन ना भरे। चल पंजाबी ये इसका दिमाग है सब, इसने ट्रायल एंड एरर पहले बहुत सारे नाम सोचे थे पर फाइनली इस पे ही डिसाइडेड टू लॉक इट ऑन एंड इट्स अ नाइस कैची नेम यार। मतलब जो भी हम जनरली ऐसे ही बात करते हैं ना, लेट्स मीट अप एट द सेम टाइम सेम प्लेस, सो आई थिंक इट्स रियली कैची। नहीं ऐसे नहीं, हम पूछते हैं ना कहाँ मिलना है, सेम प्लेस सेम टाइम। तो वैसे आज स्पेशल तो अंदर जाके पता चलेगा आपको, क्यों मुझे पता है क्या स्पेशल है पर मैं नहीं बताऊँगा क्या है। अच्छा इसको ज़्यादा पता है, मैं सारी बातें इसको बता देता हूँ प्राइवेट में, तो आई वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज इट। बिहाइंड कैमरा आप कुछ यू नो मेमोरीज के बारे में बात कर रहे थे कि आपने बताया या नहीं बताया, आप शेयर करना चाहेंगे? क्या चीज़ नहीं बताया? जो मैंने अभी कैमरा के सामने नहीं बताया तो वो मैं बता ही नहीं सकते ना, नहीं तो बता देते। नहीं बताना नहीं चाहता, और जो मैं बता चुका हूँ वो मैं बताना चाहता था। ये टीवी पे नहीं बता सकते, बेस्ट मेमोरीज बता दें, बता भाई कुछ तो बता दे। 31st मतलब उसके बारे में नहीं बता सकते, उसके बारे में नहीं बता सकते, उसके बारे में बहुत ही लीथल है। हमने कुछ, हम दिन में दो दो बार जिम जाते थे एक साथ और बॉडी के लिए इतने पागल थे, डाइट के लिए इतने पागल थे, हुआ कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है। हाँ नहीं, हम लोग मील्स भी प्रॉपर टाइम पे एक दूसरे को बता के खाते थे कि ये खा रहा हूँ और ऐसे ये बनाया है, और कुक भी करते हैं दोनों। तो ये सब हम बच्चों वाली हरकतें जो हम आपको बता रहे हैं, बड़ों वाली नहीं बता सकते यार, कैमरा अभी बच्चे ही हैं भाई। हाँ मतलब भाई मेरे कहने का मतलब, अभी तो हमारी जवानी स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, बचपना अभी मतलब खत्म हुआ, जवानी स्टार्ट शुरू हुई है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, आई हैव कांग्रेचुलेटेड हिम एंड विश्ड हिम लॉट मेनी टाइम्स, आई लव हिम अ लॉट, आई वांट हिम टू स्ट्राइव हार्ड एंड यू नो बी अ सक्सेसफुल एक्टर, मुझसे बड़ा सबसे बड़ा इंशाल्लाह। और ये तो वैसे भी अब एंट्रेप्रेन्योर हो गया है, एंट्रेप्रेन्योर हूं और वही रहूंगा, एक्टिंग भी करूंगा भाई, कंपटीशन नहीं छोड़ेंगे। ये देखा, ये इन लोगों की वजह से प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में, इनकी वजह से जो कंपटीशन छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। दिव्या दृष्टि नहीं, नेगेटिव रोल नहीं है, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते कैसा है। रोज़ आई थिंक कुछ नया है, पर वो आई थिंक द ओनली ट्रेट विच आई कैन से अबाउट हिम इज दैट ही इज़ रियली केयरफ्री, ही डजंट थिंक टू मच, ही इज़ अ फ्लर्ट, ही कैन इवन फ्लर्ट विद हिज भाभीज एंड या आई मीन हाँ, बस नेगेटिव ट्विस्ट थोड़ा सा लिया है उसने, पर आप आगे देखते रहिए क्या होने वाला है। थैंक यू। यार पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी ओजे और खुशांग को, बिकॉज़
बहुत स्वीट लोग हैं यार, एंड इनका एक नया वेंचर शुरू हो रहा है, सो मेरी सारी ब्लेसिंग्स, विशेज और रिकमेंडेशंस इनको जाती हैं। इसके अलावा आप कितनी फूडी हैं, बिकॉज यू नो ये फूड प्लेस है, साथ ही में पार्टी प्लेस है, फूडी और पार्टी की पर्सन कितनी है? सो फूडी तो आपको लग ही रहा होगा, आई एम अ बिग बिग टाइम फूडी, सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मी। और मैं पार्टी ज़्यादा करती नहीं, बट बिकॉज ये प्लेस मुझे इतनी हैपनिंग लग रही है और इतनी ब्राइट लग रही है, और म्यूज़िक भी मुझे, मतलब मैं अंदर गई नहीं हूँ बट म्यूज़िक मुझे यहीं से इतना अच्छा लग रहा है कि आई एम श्योर 2 हफ्ते में एक बार तो मैं आपको यहाँ डेफिनेटली मिलूंगी। और कितना धमाल करने वाली है आज अंदर जाके, यू नो बिकॉज लॉन्च है आज फाइनली उनका, yes. कितना धमाल करने वाली है? मैं यार बहुत एंजॉय करने वाली हूँ, मैं काफ़ी टाइम से मैंने डांस भी नहीं किया है, सो टुडे देर इज़ नो डाइटिंग, टुडे देर इज नो सिटिंग, आई एम ओनली गोइंग टू हैव सो मच फन, सो यस। हाँ जी, सो मैंने always better to be underdressed, so थोड़ा सा casual सा है, and lines make me look thin और black तो होता है। and I bought my new chappals from Melbourne and I love them. okay, इसके अलावा क्या किस तरीके का रिश्ता, you know, relation है या bond है कुशांग या OJ के साथ? सो OJ को मैं सिर्फ एक बार मिली थी, विच इज़ 2 years back, और तब से हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई है कि उसके बाद हम एक या दो बार मिले होंगे, पर हमारी हमेशा चैटिंग लगे रहती है, और खुशांग के हमेशा विशेज मुझे आते रहते हैं, जब भी मुझे कुछ मेरा कुछ नया प्रोजेक्ट देखता है तो आई कीप सेंडिंग हिम विशेज, सो हमारा बहुत ही सोशल मेरा और खुशांग का रहा है, बट OJ हैज़ बीन अ डार्लिंग, मतलब आई हैव ऑलवेज बीन इन टच विद हर, सो आई थिंक आई एम मोर क्लोज टू OJ देन खुशांग। प्रोजेक्ट की बात की तो कोई अपकमिंग अभी मेरी जस्ट सेकेंड तेलुगु फिल्म दिक्सूची रिलीज़ हुई है, सो अभी जस्ट मैं उससे फ्री हुई हूँ, तो एक महीने का थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा आराम कर लेते हैं और फिर लेट्स गेट बैक टू वर्क, और उसके बारे में मैं आपको बहुत जल्दी बताऊँगी। थैंक यू। ओके, सो सेम प्लेस सेम टाइम, यू नो एक न्यू बिगनिंग है OJ के लिए और खुशांग के लिए, क्या कहना चाहिए? वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू एंड और All the very best. Yes. We know it's gonna rock. Yes. Same place, same time. इसका नाम ही इतना catchy है, yes. और जगह भी बहुत ही प्यारी है. Yes. और obviously अभी हम खाना तो try करेंगे. Yes. वो भी मुझे लगता है best होगा. बहुत ही अच्छा होगा. खाने के बाद कभी नहीं आपने तो obviously जानना चाहेंगे कि कितनी foodie है आप दोनों. बहुत. सारा दिन खिलाओ हम खाते ही रहेंगे बस. खुश रहेंगे. नहीं पर but yes we do eat. Big foodie. Yes. Talking about you know OJ and खुशांग, किस तरीके का bond है आप दोनों का उनके साथ? आई थिंक हम जानने लगे क्या हाल 5 साल से ही, हाँ. क्योंकि हम सेम चैनल पे हम शो करते थे, तो हमारा कंपटीशन हाँ. भी बहुत होता था, yes. तो नहीं बोलते थे इस बार हम आगे, नहीं इस बार हम आगे, हम आगे। एक मेमोरी शेयर करना चाहेंगे मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने पर्सनली सबको कॉल किया, तो आई रियली फेल्ट यू नो वेरी टच्ड एंड ऑब्लाइज्ड, शी इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी हम्बल पर्सन। आज कितने पार्टी के मूड में आए हैं, अपने लुक के बारे में क्या कहेंगे? लुक हमने दोनों ने बिल्कुल डिसाइड नहीं किया था, इट्स वेरी कैजुअल, क्योंकि हम पार्टी के मूड में आए थे और पार्टी एकदम कंफर्टेबली की जाती है, और मैं डायरेक्ट शूट से आ रही हूं, अभी तो नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा एक्चुअली, बट आई एम आई नो कि CSK जो है वो पहुँच गया है फाइनल्स में शायद, सो आई एम सपोर्टिंग धोनी। आपको बड़ा पता है, इधर आना जरा, नहीं बताओ आपसे क्वेश्चन बताओ, लेना जरा फ्रेम में बताओ, आ जाओ, मैं बता देता हूँ कितनी टीम्स खेल रही है, मैंने इनको वही बोला कि इस बार मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, पर मुझे पता चला है कि चेन्नई पहुंच गई फाइनल्स में, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगी। बताइए आप, कल अभी हम तीनों बाहर थे और ये मैडम ने ऐसी कुर्सी चुनी कि इसको मैच देखना था, कितना मैच देखा बताना जरा? कल भी तो CSK का ही मैच था बॉम्बे के साथ, आई रिमेम्बर। क्या लगता है फंस गई है आपके जाल में? ये बस साथ ही रहते हैं और कोई काम नहीं है इनको। मैम बिजी हैं, काम कर रही हैं, तो इनको टाइम नहीं मिल रहा है शूट का, से अपना टाइम निकाल के मैच देखने का, और हम दोनों हम एंजॉय करते रहते हैं, हम yes. कभी इधर कभी उधर, तो हम वैसे ही IPL फॉलो नहीं करते हैं। ओके, सो लास्ट एक विश तीनों मिलकर दे दें खुशांग और OJ को। एक विश,
एक विश, मेनी 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 कंग्रेचुलेशंस टू कुशांक एंड ओजस्वी एंड वेरी बेस्ट फॉर सेम प्लेस सेम टाइम. इफ यू गाइस वांट टू हैव, लेट्स मीट सेम प्लेस सेम टाइम. थैंक यू.